शक्ति के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमान राय जी, उनको सुना कि उनका कहना है कि उन लोगों ने प्रशासन को कई बार ऐसे पेड़ों के बारे में लिस्ट दिया, ऐसे पेड़ों की लिस्ट दी थी जो 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 काफी पुराने हो चुके हैं, जो जो गिरने की कगार पर है, मगर उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब जाकर ये कितना बड़ा हादसा हुआ है। एक और गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिए ये है N सीरीज में 8539। इसका भी जो पिछला हिस्सा है ये इस गाड़ी की चपेट, इस पेड़ के चपेट में आई और इसको भी खासा नुकसान हुआ है। जैसे आप शीशे से देख सकते हो कि इसके पीछे का हिस्सा टूट चुका है और थोड़ा सा दब चुका है, मगर जो दो गाड़ियां हैं ये इसमें इसकी बहुत बुरी तरह चपेट में आके लगभग पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये नजर मैं ये भी ऐड करूंगा, आपके द्वारा जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, सब जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके कंसर्न पर्सन के पास में जाए और ये जवाब मांगे सीरियसली और पब्लिक तक पहुंचाए कि ये नेग्लिजेंसी क्यों किया गया है। क्या मजा आता है उनको ये सब करने में, जबकि उनका काम है ये डेंजरस ट्रीज को पहले से ही काटना। ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, ये एक एग्जाम्पल है जीता जाता। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा केसेस देख चुके हैं कि गांव में घर में पेड़ गिर के बच्चा का, मम्मी का, सबका डेथ हुआ है, तब भी उन लोग सबक नहीं लिए हैं। इस बार जो है आप लोगों के थ्रू में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कंसर्न पर्सन को पकड़े और उसको जवाब मांगे उनसे। हम कोशिश करेंगे अंशुमान राय जी की बातों पर गौर करें कि लोगों से मिले, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो लोग उनसे मिले। जैसे आप देख रहे हो कि अभी फिलहाल अंडमान में बहुत हवा तूफान चल रहा है और इस तरीके का माहौल बनना जैसे बहुत आम हो गया हमारे अंडमान निकोबार में, तो ये हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते ऐसे पेड़ों को निकाल दिया जाए, उनको काट दिया जाए, छांट दिया जाए, ताकि ऐसे हादसों से हम बचते रहें। इसी बात पर अंशुमान जी का भी एक इतना तुम लोग कैसा बे रहे हैं यार, कम से कम एक बोला ना। हाँ, और लाइव में बोल। देखिए एक और गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे सामने इस वक्त खड़ी है 7889 जे सीरियल में। इसका भी सामने का हिस्सा जो है ये पेड़ की चपेट में आ चुका है। ये हम लोग का कोना पकड़ो ना, थोड़ी देर के बाद ले लेंगे। लो लो, मैं आपको बता दूं कि हमारी फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे ऑफिशियल्स आ चुके हैं, जगह का मुआयना ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी प्रशासन जो भी करेगी वो जल्द करेगी और आगे भी ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। देखिए हम आपको पूरा नजारा दिखा रहे हैं किस तरीके से एक पेड़ जो है अटलांटा पॉइंट पार्किंग प्लेस के पास अपनी जड़ छोड़ दिए और इसके गिरने से इसकी चपेट में 5-6 गाड़ियां आ गई। सामने भी हमने आप लोगों को एक गाड़ी दिखाई थी, यहाँ पे आपके सामने तीन गाड़ियां इस तरफ है और एक गाड़ी इस तरफ मौजूद है। ये हादसा बहुत बहुत बड़ा हो सकता था। इस हादसे के बाद से हमारे प्रशासन को जरूर एक चुनौती मिली है आगे भविष्य के लिए कि अगर ऐसे हादसे ना हो उसके लिए अभी से ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि जहां जहां पर भी डेंजरस खतरनाक पेड़ हैं जो गिरने की कगार पर है, टूटने की कगार पर है या बहुत पुरानी हो चुकी है, उनका जायजा ले, एक सर्वे कराया जाए, उन सब पेड़ों की पहचान कराया जाए और उनको जल्द से जल्द छांटा जाए या काटा जाए ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। इससे पहले भी डिगनाबाद एरिया में भी एक बहुत ही वयस्क महिला ने हमसे हमारे चैनल के माध्यम से ही गुजारिश की थी कि उनके घर के ऊपर जो बहुत पुरानी पेड़ है हर वक्त। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वे लगातार इस पेड़ को काटने में लगे हुए हैं और वे खुद चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पेड़ का सफाया हो ताकि ये जो यातायात में परेशानी हो रही है इस वक्त उससे निपट सके। सब लेते रहो। लो लो लो।
मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा कि बहुत ही खतरनाक एक हादसा आज हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर में हुआ है, अटलांटा पॉइंट पार्किंग स्टेशन पार्किंग प्लेस के पास, जहां पे एक बहुत पुरानी जो पेड़ है वो जड़ छोड़ के गिर गई और इसकी चपेट में बहुत सारी प्राइवेट टैक्सियां गाड़ी आ गई, जिसमें कुछ टैक्सियां तो बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है और कुछ टैक्सियों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बात नुकसान और फायदे की नहीं है, बात है कि अगर ये हादसा किसी इंसान पर होता, उसकी जान पर होती, तब मामला क्या होता। क्योंकि कई बार ऐसे हमने खुद ऐसे एपिसोड चलाए हैं जहां पे खतरनाक पेड़ों के बारे में, चाहे वंडूर हो या फिर देखनाबाद शहर के बीचों बीच, हमने प्रशासन को उन पेड़ों के बारे में बताया था अपने एपिसोड से, जो कि खतरनाक स्थिति में है, जो कभी भी गिर सकती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ढिगनाबाद में भी एक परिवार के घर के ऊपर में एक बहुत पुरानी पेड़ की, जिसकी उन्होंने काटने की अर्जी लगाई थी, बहुत महीने से वो काम रुका हुआ था, लेकिन जल्द ही हमारे डीसी मैम के ऑर्डर्स पर और एसडीएम सर के ऑर्डर्स पर उस पेड़ को काट कर छाट दिया गया। और जो महिला ने ये कंप्लेंट शिकायत की थी, वो काफ़ी सेफ महसूस कर रही है और उन्होंने धन्यवाद भी किया। उसी तरीके से अगर हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी पुराने